चार है सभी का भी। तो ये मेरी पूजा की थाल है। नमस्कार है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमास ऑल इन वन चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी समय अच्छे ही होंगे और सभी को हेलो एंड हाय भी। तो आज है सावन महीने का सबसे पहला सावन सोमवार। तो आप सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी हर किसी के ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर भी और आप सबके ऊपर भी। तो बस आज मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। मैंने वेयर किया है साड़ी और तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आवाज़ से ही आप लोगों को लग रही होगी। कल शाम को पूरा इतना तेज बारिश होने लगा, मैं निकली हुई थी बाहर और मेरे पड़ोस में है आंटी, तो हम दोनों ही बाहर टहलने निकले हुए थे। सोचा कि साथ में टहल लेते हैं शाम को, तो बस अचानक से बारिश आ गई और पूरे के पूरे हम दोनों भीग गए। तो आवाज़ पूरा डाउन है, रात भर सर्दी में मैं सो भी नहीं पाई हूँ और रात में ही मैंने वैसे मेडिसिन ले लिया है, बट सर्दी तो चार पांच दिन रहती है, फीवर भी है। और आज पहला ही सोमवार था, तो मंडे था, फर्स्ट मंडे था सावन का, तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। मैं हमेशा से ही करती आई हूँ, तो बस आज मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, अभी निकलती हूँ। अगर ज़्यादा भीड़ ना हुई हो मंदिर में तो मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी वीडियो में, आप देख सकते हैं। और आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है अदर सोशल मीडिया पेजेस में, तो मैं इसके लिंक यहाँ पर नीचे ऐड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं और मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आने वाली वीडियो की पहले ही मैं वहाँ नोटिफिकेशन ऐड कर देती हूँ। तो बस चलते हैं मंदिर को और मैं अपना ड्रेसअप दिखा दूँ आप लोगों को। तो बस इस तरह से साड़ी मैंने वेयर की है, चंदेरी कॉटन साड़ी है ये, तो बहुत ही अच्छा होता है कैरी करने में मंदिर जाओ। तो बस चलते हैं मंदिर और देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, घर के सारे काम हो जाने के बाद मैंने देखिए घर में पूजा कर लिया है। मेरे पास घर में भी शिव जी हैं, तो कल आनी ने थोड़ा बहुत फूल ला करके दिया था और सुबह ये थोड़ा बहुत ले आए। तो बस पूजा मेरी हो गई है, इसके बाद मैं मंदिर जाने की तैयारी कर लूँगी। साड़ी का लुक मैंने दिखा दिया, आप सभी को देख सकते हैं। मंदिर जाने के लिए वैसे तो बेसिकली साड़ी ही पहनना चाहिए इंडियन लेडीज़ को, तो इसलिए मैंने आज, मैं बीमार हूँ फिर भी मैंने सोचा कि साड़ी पहनना ही चाहिए, इसलिए पहनती हूँ मैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी आ जाती है कभी, तो तभी मैं नहीं पहनती हूँ साड़ी, वरना मैं मंदिर वगैरह में साड़ी पहन कर ही रहती हूँ। तो ये मेरी पूजा की थाल रेडी है और बस अब हम जाने वाले हैं मंदिर। तो मैंने यहाँ फ्रूट्स वगैरह रख लिया है, फूल रख लिया है और सबसे ज़रूरी चीज़ है बेलपत्र सावन में शिव जी को चढ़ाने के लिए। और ये लाल वाला फूल मैंने माता पार्वती के लिए रखा है, शिव जी में तो लाल फूल नहीं चढ़ता है। एक ये फूल मेरे घर में मेरे गमले में हुआ था, तो बस मैंने ले लिया। और कुछ फूल मैंने अपने भगवान आसन में चढ़ा दिए, बाकी आपको सामने से दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं रही है, बोला भी नहीं जा रहा, हेडेक है इतना और साथ ही फीवर भी है मुझे। तो रात को 3 बजे उठ के मैंने मेडिसिन ले ली ताकि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो दिखाती हूँ, तो ये थाली सजाई है मैंने, इसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ 3 तरह के फ्रूट्स मैंने रखे हैं। ये कच्चा दूध है, साथ ही दही है, घी है, मधु है और ये है चंदन का पाउडर मैं लेकर जा रही हूँ। इधर मैंने घी वाली दिया तैयार किया है, जो जो पूजा में लगता है बस उसी तरह से मैंने ले लिया है। और पानी मैं यहाँ बाल्टी पर ले रही हूँ, मेरे पास इसी यही वाली बाल्टी है प्लास्टिक वाली। वैसे तो पूजा के लिए रखा जाता है पीतल या तांबे या फिर स्टील की भी आप रख सकते हैं, बट मैंने ये रखा है अपने पास, तो बस इसी में मैंने ले लिया है और सारा कुछ रेडी है। चलते हैं अब हम मंदिर। और ये थाली ढकने के लिए मैंने इस तरह का ये ले लिया है कपड़ा। तो बस अब हम निकलते हैं मंदिर की तरफ।
तो बस मंदिर हम पहुंच चुके हैं और थोड़ी अब हमको जगह बना लेनी होगी क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम सुबह सुबह ही आए हैं बट फिर भी देखिए भीड़ कितनी है। और अंदर एडजस्ट हो करके पूजा को हम निपटा लेते हैं, बाकी व्लॉग आप आगे देख सकते हैं। पूजा वूजा किया हमने फटाफट और यहाँ से निकल गए। भीड़ बनाने से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर जितना हमको करना है जो भी चढ़ाना है वो फटाफट चढ़ा दें और दूसरों को भी आने का मौका दें, ऐसा हर किसी को ही करना चाहिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पूजा कर लिया है हमने, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एक साथ इस बार का शूटिंग नहीं हो पाया, अलग अलग ही करना पड़ा। लेडीज से बहुत ज़्यादा थी अंदर में, तो जैसे तैसे बस पूजा करके निपट लिए हम लोग और बाहर आ गए। तो चलते हैं घर में, आज तो फास्ट रखना चाहती हूँ, हमेशा से रखती आई हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देख सकते कितनी बारिश हुई है कल शाम को, और बस यहीं मैदान पर हम लोग टहलने निकले हुए थे, कहीं भी रुकने का यहाँ जगह नहीं है, इसलिए हम लोग पूरे भीग गए और आज मेरी हालत ऐसी है। तो बस पूजा वूजा हो चुका है, अब हम चलते हैं घर की ओर। आज रेस्ट किया इन्होंने, मैंने कहा ही था कि मंदिर जाना है, अगर ड्यूटी जाते तो फिर नहीं होता हो पाता इतना जल्दी आना, वेट करना पड़ जाता मुझे इनका, बराबर मैं आ जाती हूँ। और आज आनी नहीं है, आनी चली गई है स्कूल, वरना बाहर में फ़ोटोशूट का काम रहता है आनी का। पूजा हो गया और ये साथ में लिए हुए हैं, सारा कुछ चढ़ा दिया हमने। बड़े वाले लोटे में मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया था, बाकी उसमें थोड़ा सा पानी और मिला के सारा जल चढ़ा दिया। क्यों लो, और बस पूजा करके जा रहे हैं तो देखा इन्होंने एक मैना है जो फंसी हुई है, बस इसका रेस्क्यू ये करने वाले अभी। उसके पैर में देखिए इस तरह से फंस गया ये, हाँ, तो बचाइए नहीं, देखे हैं तो कह रहे थे मैं इसको बचा देता हूँ वरना सारे कौवा जो क्रो है वो इसका हालत ख़राब कर देंगे। अभी निकलेगा ये, मम्मी पूरा राउंड हो गया है।
ओहो, और ये कर रहा है रेस्क्यू अभी, क्योंकि पंछियों को बचाना भी बहुत अच्छी बात है। अभी हम नहीं बचाते इसको तो देख सकते इतने सारे देखिए कौवे वगैरह जो है आ गए हैं। छूटा ओ माँ, छेड़ दो। चलो अच्छा लगा उड़ा करके। नजर बचा दिए उसको, वरना ये सारे कौवे उसके हालत खराब कर देता। अभी मंदिर से लौटते समय बाहर में पशु पक्षी कुछ भी दिखे उसके केयर करना बहुत ज्यादा पसंद। कैसा लगा उड़ा के? अच्छा लगा। फंसा था ना परी? परी मंदिर जाएगी? जाएगी मंदिर? आज परी नहीं जा पाई हम लोग के साथ, पूजा हो गई। अब मिट्टू लोग को देखें, हटो कहाँ है। अच्छा इसमें डाल के इन लोग को भी मैं सुबह साफ सफाई कर दी, और इस तरह बाहर में इसके केज के अंदर रखना पड़ा घर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आते हैं बिल्लियाँ कैट, तो उनको खाना वगैरह मैंने दे दिया था, साफ सफाई कर दिया, फिर भी गंदा कर दिया इन्होंने। और ये मेरे पेड़ के फ्लावर्स, ये हुआ है रजनीगंधा। तो बस पूजा वूजा हो गया है और करने वाली हूँ फास्ट, देखती हूँ चाय वाय बना करके पी लूँगी अभी। और सर्दी है तो ठंडा कुछ पी भी नहीं सकती कि नींबू पानी वगैरह पी लूँ, वरना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। ये ले जा रहे हैं उनको अंदर, अब खोल के रख देंगे क्योंकि सुबह से ही वो लोग बंद हैं। साफ मैं कर दी हूँ, साफ कर दी हूँ, बस झाड़ना है। और फल वगैरह लूँगी शाम को, तो बस यहीं पर। और कुछ अगर करती हूँ दिन में तो ज़रूर दिखा दूँगी। निकल गए बस घर से बाहर। मिट्टू और मंदिर से आते टाइम तो दिखाया ही मैंने आपको कि एक मैना थी जो इसके पैर में प्लास्टिक चिपक गई थी, और उसे छुड़ाने के लिए वो इधर उधर मशक्कत कर रही थी, और उसके पीछे ढेर सारे जो हैं क्रो यानी कि कौवे लग गए थे। और अगर हमारी नज़र नहीं पड़ती तो आज वो मैना नहीं बच पाती, क्योंकि बहुत सारे कौवे उसके पीछे लगे हुए थे। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने ध्यान दिया है कि कौवे उसके पीछे लगे हुए हैं, और वो कांटे में जाके चिपक गई थी, वो नहीं उड़ पाती वहाँ से। तो बस उन्होंने उसको बचा दिया। बहुत अच्छा लगा कि आज सावन के दिन इन्होंने एक जीव को बचाया है, और मन को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर पैरट्स का भी बदमाशी चालू है पूरे मेरे पेड़ों को, यहाँ पर वो कुतर कुतर के रख देते हैं। और सब तरफ बारिश स्टार्ट हो गई है तो पूरे काई लग जा रही दीवार वगैरह में, वैसे ही क्वार्टर है मैं तो आपको बताती हूँ, तो सब तरफ जो है वो काई ही काई है। तो हो गया है, मैं अब थोड़ा सा आराम करूँगी। तो साड़ी दिन भर मैं नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि आज तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर भी आने लगा फिर से, पूरा मुंह में फ्लेवर भी कड़वा कड़वा सा आ रहा है। तो थोड़ा मैं आराम करती हूँ और चाय बना करके पी लूँगी, और देखती हूँ इनको क्या दूँ। वैसे ये तो खुद ही बना लेते हैं खाना, आप लोग को पता ही है, तो कुछ नाश्ता ये खा लेंगे, उसके बाद मैं आराम कर लेती हूँ, उसके बाद अगर कुछ होता है तो दिखाऊँगी, वरना बस सीधे शाम को मिलेंगे दिया बत्ती के समय। और मैं लेने वाली हूँ फ्रूट्स या क्या लूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखा दूँगी। और अगर आपसे एक विनती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, साथ और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और क्या कहूँगी, बस आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर हर महादेव, शिव जी सबके साथ रहें और सबको आशीर्वाद दें, हमको भी आप सभी को भी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, चलती हूँ, बाय बाय, टाटा। इन्होंने अपने लिए ब्रेकफास्ट के लिए नूडल्स बना लिए हैं, नूडल्स आटा नूडल्स है, बिना प्याज का इन्होंने बनाया है, विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। तो बस इन्जॉय कर रहे हैं, और साथ में पैरट्स को भी नाश्ता करा रहे हैं ये, और बस इनकी बदमाशियां चल रही हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। और उधर मैंने चाय भी बैठा के रखी है, वेदर बहुत अच्छा है आज का, ये चाय मेरी बन गई, तब तक मैं अपनी चाय ले लूँ।
गाइस, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी जस्ट मैं आई हूँ हॉस्पिटल से ही। कल बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ गया मुझे। पूरे टाइम मैं ऐसे सो ही रही हूँ। मैं फास्ट रखती हूँ हर बार, मैं कभी फ्रूट्स वगैरह नहीं लेती हूँ। दोपहर में मैं सीधे शाम को ही लेती हूँ, बट आज बिल्कुल शरीर काम ही नहीं कर रहा था और मुझे दवा भी लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रूट्स भी ले लूँगी और दिखा करके आ रही हूँ। तो कह रहे हैं कि बारिश में भीगने की वजह से ही हो गया, थोड़ा सर्दी जुकाम है। नाक बिल्कुल ऐसे नीचे मैं कर नहीं पा रही हूँ और बिल्कुल पानी की तरह नाक से आ रहा है, और फीवर भी है मुझे, और हाथ पर जैसे कांपने लगता है ना वैसे हो रहा है। क्या करूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं थोड़ी देर और आराम करूँगी। आवाज़ भी ठीक से आ नहीं रही है, मैं इसमें बोलने के लिए मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तो शायद ही अब कुछ और मैं शूट करूँ, तो आज का वीडियो शायद तक यहीं तक हो, और कुछ अगर खाऊंगी तो आगे इस पे लगा दूंगी मैं। तो चलती हूँ मैं, और मिलेंगे हम किसी दूसरे व्लॉग में। वीडियो कहने वाली थी तो चलते हैं, बाय। सर फटा जा रहा है मेरा, बिल्कुल आप चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे अभी जस्ट मैं आ रही हूँ, मुझे लगा था कि वहाँ ही मैं आपको दिखाऊँ, बट नहीं हो पाता है। आप कहीं बाहर जाते हैं ना तो हर समय नहीं हो पाता और मन भी नहीं करता है। तो चलती हूँ, बटाटा एंड बाय। तो रात को मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, ये साबूदाना मैंने फुलाया था, उसमें केला शक्कर और ये नारियल किस करके बस ऐड कर ले रही हूँ। ऐसे ही कच्चा मैं पका हुआ नहीं खाती हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, और साथ में एक टुकड़ा आम का भी है। हर हर महादेव।